नमस्कार दोस्तों लहसुन का सेवन अच्छी सेहत के साथ कई शारीरिक बीमारियों के लक्षणों को कम करने व उनसे बचाव करने में मदद करता है और शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होता है लेकिन लहसुन का अधिक मात्रा में सेवन कुछ शारीरिक समस्याओं का कारण बन सकता है लहसुन को अंग्रेजी में गार्लिक कहा जाता है और लहसुन की तासीर गर्म होती है इसलिए लहसुन का सेवन सर्दी खांसी को भी दूर करता है दरअसल लहसुन में कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने में सहायक होते हैं दोस्तों लहसुन में प्रोटीन पानी एनर्जी कार्बोहाइड्रेट फाइबर आयरन कैल्शियम पोटेशियम मैग्नीशियम फास्फोरस, जिंक कॉपर और सिलेनियम के साथ विटामिन बी सिक्स और विटामिन सी जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं दोस्तों लहसुन औषधीय गुणों से भरपूर होता है लहसुन हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल रखता है साथ ही लहसुन खाने के कई अन्य लाभ भी होते हैं दोस्तों लहसुन खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी लहसुन से थर्मोजेनेसिस यानी गर्मी उत्पादन करने वाली प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है इसे फैट बर्न करने के लिए जाना जाता है अपने इन गुणों की वजह से लहसुन मोटापे से राहत दिला सकता है नंबर टू लहसुन खाने के फायदे हाई ब्लड प्रेशर वालों में भी देखे जाते हैं लहसुन में बायोएक्टिव सल्फर यौगिक एलएससीटीन होता है यह 10 एमएमएचजी सिस्टोलिक प्रेशर और 8 एमएमएचजी डायलोस्टिक प्रेशर को कम कर सकता है दरअसल सल्फर की कमी से भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है ऐसे में शरीर को ऑर्गेनो सल्फर यौगिकों वाला पूरक आहार जैसे लहसुन देने से ब्लड प्रेशर को स्थिर किया जा सकता है नंबर 3 लहसुन कोलेस्ट्रॉल को कम करने में लाभकारी साबित हो सकता है पुराने लहसुन के सेवन से शरीर में एलडीएल यानी हानिकारक कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम हो सकता है साथ ही इसमें मौजूद एंटी हाइपरलिपिडेमिया गुण टोटल और हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक माना जाता है नंबर फोर हृदय को स्वस्थ रखने के लिए भी लहसुन के फायदे देखे जा सकते हैं लहसुन में कुछ खास तरह के कार्डियो प्रोटेक्टिव गुण होते हैं जो हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं साथ ही लहसुन नुकसानदायक कोलेस्ट्रॉल को कम करके हृदय रोग के जोखिम से बचाव कर सकता है नंबर फाइव लहसुन का उपयोग मधुमेह रोगियों के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है एक दो हफ्ते तक लहसुन का सेवन करने से टाइप टू डायबिटीज के मरीजों का शुगर नियंत्रित हो सकता है मधुमेह की समस्या से परेशान लोग कच्चा लहसुन भी खा सकते हैं दरअसल कच्चे लहसुन में भी शुगर की मात्रा कम करने वाला प्रभाव पाया जाता है साथ ही लहसुन में एंटी डायबिटिक गुण भी होता है जो डायबिटीज के जोखिम को कम कर सकता है नंबर सिक्स लहसुन खाने के फायदे दमा यानी अस्थमा की शिकायत वालों पर भी देखे जा सकते हैं अगर किसी दमा के मरीज को एलर्जी है तो लहसुन का उपयोग डॉक्टर के परामर्श पर ही करना चाहिए अन्यथा एलर्जी की समस्या बढ़ सकती है नंबर सेवन कई बार लोग सर्दी जुकाम या बुखार से बचाव के लिए लहसुन खाने की राय देते हैं लहसुन का एलिसिन यौगिक सर्दी जुकाम की समस्या का जोखिम कम कर सकता है पुराने लहसुन के अर्क की एक उच्च खुराक यानी प्रतिदिन टू पॉइंट फाइव सिक्स ग्राम से रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार होता है इससे सर्दी जुकाम या बुखार भी कम हो सकता है साथ ही लहसुन में एंटीवायरल और एंटीमाइक्रोबियल प्रभाव भी होता है जो सर्दी जुकाम से राहत दिला सकता है नंबर एक लहसुन के गुण से कैंसर के जोखिम से बचा जा सकता है लहसुन में एंटी कैंसर गुण होता है ऐसे में लहसुन को कैंसर से बचाव का तरीका माना जा सकता है ध्यान दें कि कैंसर एक गंभीर बीमारी है इसलिए लहसुन को इसका समझने की भूल ना करें कैंसर के इलाज के लिए डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है नंबर नाइन लहसुन हड्डियों की समस्या में लाभकारी साबित हो सकता है दरअसल कच्चा लहसुन या लहसुन युक्त दवा के सेवन से शरीर को कैल्शियम अवशोषण में मदद मिलती है इससे ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों के कमजोर होने की बीमारी से राहत मिल सकती है इसके अलावा लहसुन में मौजूद सल्फर यौगिक में एंटी इनफ्लेटरी और एंटी अर्थराइटिक प्रभाव होते हैं इनकी मदद से गठिया का जोखिम कम हो सकता है इस आधार पर लहसुन को हड्डियों के लिए फायदेमंद कहा जा सकता है नंबर टेन लहसुन में मौजूद एस इस्टीन यौगिक नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर के उपचार में सहायक हो सकता है साथ ही इसे लिवर को किसी प्रकार की चोट से बचाने के लिए भी जाना जाता है यही नहीं लहसुन का तेल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो लिवर की सूजन को कम कर सकता है नंबर इलेवन गार्लिक के फायदे गर्भावस्था के शुरुआती दौर में हो सकते हैं गर्भवती और भ्रूण दोनों के लिए गर्भावस्था के दौरान लहसुन फायदेमंद हो सकता है इसलिए गर्भावस्था में लहसुन को लेकर एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर लें। नंबर ट्वेल्व शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इम्यून पावर का अच्छा होना आवश्यक है ऐसे में लहसुन की कली का सेवन मददगार साबित हो सकता है दरअसल लहसुन के सभी यौगिक इम्यूनिटी के लिए लाभकारी माने जाते हैं यह तब और फायदेमंद होता है जब लहसुन पुराना हो लहसुन खाने से शरीर में कई तरह की प्रतिरक्षा कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो सकती है नंबर थर्टीन लहसुन का सेवन करके छोटी आंत की क्षति से बचाव हो सकता है इसका एंटीमाइक्रोबियल गुण आंतों के लाभकारी माइक्रोफ्लोरा और हानिकारक एंट्रो के बीच अंतर कर हानिकारक बैक्टीरिया को बनने से रोक सकता है बस ध्यान रहे लहसुन के अधिक सेवन से सीने में जलन या पेट खराब हो सकता है नंबर फोर्टीन लहसुन के गुण किडनी संक्रमण की रोकथाम में भी मदद करते हैं गार्लिक स्यूडोमोन एरोजिनोसा बैक्टीरिया को बढ़ने से रोक सकता है यह बैक्टीरिया यूटीआई और गुर्दे के संक्रमण के लिए जिम्मेदार होता है इसके अलावा लहसुन में मौजूद एलिसन यौगिक किडनी रोग के जोखिम को कम करने में भी सहायक हो सकता है नंबर फिफ्टीन जब शरीर में फ्री रेडिकल और एंटीऑक्सीडेंट के बीच असंतुलन हो जाए तो उसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं इन फ्री रेडिकल के बढ़ने से डायबिटीज हृदय रोग और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। गार्लिक में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर सकता है इससे हृदय रोग उच्च रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल की समस्या नियंत्रित हो सकती है नंबर सिक्सटीन यीस्ट इन्फेक्शन से बचाव में लहसुन मदद कर सकता है दरअसल लहसुन में एल सल्फाइड नामक यौगिक होता है जो एंटी क्षमता दिखाता है ये एंटीमाइक्रोबियल प्रभाव यीस्ट को नष्ट करके संक्रमण के जोखिम को कम कर सकता है नंबर 17 अल्जाइमर मस्तिष्क संबंधी समस्या है जिसमें लोगों को भूलने की बीमारी हो जाती है ऐसे में एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर लहसुन का सेवन करके संज्ञानात्मक गिरावट यानी कॉग्नेटिव डिक्लाइन से बचाव किया जा सकता है इसका सकारात्मक असर अल्जाइमर पर देखने को मिल सकता है नंबर 18 लहसुन खाने के फायदे आंखों को भी हो सकते हैं रिसर्च पेपर में बताया गया है कि एक एंथमीबा आंखों के गंभीर संक्रमण का कारण बनता है साथ ही केरेटाइटिस यानी आंख के पारदर्शी हिस्से कॉर्निया में सूजन भी पैदा करता है ऐसे में लहसुन का अमीबिसाइडल प्रभाव इस अमीबा को खत्म करके आंखों को इससे होने वाले संक्रमण से बचा सकता है नंबर 19 कोल्ड सोर या छाले व्यक्ति को हरपीस सिंप्लेक्स वायरस के कारण होते हैं ये संक्रामक और दर्दनाक फफोले होते हैं जो होठ और नाक के आसपास हो सकते हैं इससे संबंधित लहसुन में मौजूद एंटीवायरल प्रभाव हर्पीस सिंपलेक्स वायरस से राहत दिलाकर कोल्ड सोर की स्थिति में सुधार कर सकता है नंबर ट्वेंटी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कई प्रकार के पोषक तत्व जरूरी होते हैं और आयरन वेजिंग उन्हीं में शामिल है लहसुन का सेवन करने से खाद्य पदार्थों में मौजूद आयरन और जिंक दोनों को शरीर आसानी से अवशोषित कर सकता है ऐसे में आयरन या जिंक की कमी से जूझ रहे लोगों को अपने आहार में लहसुन को शामिल करना चाहिए नंबर ट्वेंटी वन लहसुन के बेनिफिट में कान के हल्के संक्रमण या दर्द से राहत दिलाना भी शामिल है लहसुन में एंटी माइक्रोबियल गुण होता है जिस कारण इसे कान में होने वाले इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है इससे कान में संक्रमण के कारण होने वाला दर्द भी कम हो सकता है ध्यान रहे कि गंभीर कान दर्द होने पर डॉक्टर से परामर्श जरूर करें नंबर 22 लहसुन में मौजूद एलिसिन एंटी माइक्रोबियल प्रभाव से समृद्ध होता है इससे मुंह के बैक्टीरिया जो मसूरों के संक्रमण का कारण बनते हैं उन्हें खत्म करने में मदद मिल सकती है साथ ही लहसुन के अर्क से युक्त वॉश को भी प्रभावी पाया है और साथ ही यह बात भी सामने आई है कि लहसुन युक्त टूथपेस्ट और माउथ वॉश से कैविटी के जोखिम से बचा जा सकता है नंबर ट्वेंटी थ्री लहसुन का लाभ पाइल्स प्रभावित लोगों को भी हो सकता है लहसुन को पाइल्स के आयुर्वेदिक इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है लहसुन का कौन सा गुण इसमें मददगार साबित होता है इस संबंध में अभी और शोध करने की आवश्यकता है नंबर ट्वेंटी लहसुन एलर्जी के जोखिम को कम करने और बढ़ाने दोनों का कारण बन सकता है लहसुन एलर्जी भी हो सकती है नंबर ट्वेंटी फाइव कील मुहासो के कारण कई हो सकते हैं और बैक्टीरिया उन्हीं में से एक है ऐसे में लहसुन के उपयोग से कील मुहासों से बचाव हो सकता है क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रभाव होता है इसके अलावा इसमें एंटी एक ने प्रभाव भी पाया जाता है जो मुहासे की समस्या को दूर कर सकता है, सिक्स, सुरायसिस है जिसमें खुजली होने लगती है और त्वचा लाल हो जाती है यह बीमारी ज्यादातर सिर की त्वचा कोहनी और घुटनों को प्रभावित करती है इसके प्रभाव को लहसुन से कम किया जा सकता है लहसुन में डायलिल सल्फाइड और एजेंट जैसे यौगिक होते हैं ये यौगिक सोरायसिस की वजह बनने वाले न्यूक्लियर ट्रांसमिशन कारक कप्पा का भी को निष्क्रिय कर सकते हैं नंबर ट्वेंटी सेवन एक त्वचा एक संबंधी समस्या है जिसमें त्वचा पर लाल चकत्ते सूजन के साथ खुजली जैसी परेशानी हो सकती है इसे डरमेटाइटिस भी कहते हैं ऐसे में इससे राहत पाने के लिए लहसुन खाना उपयोगी हो सकता है दरअसल खुजली से राहत दिलाने के मामले में लहसुन की सफलता या असफलता रोगी के शरीर पर निर्भर करती है किसी व्यक्ति को अगर लहसुन से एलर्जी है तो लहसुन एक जीवा को बढ़ा सकता है नंबर लहसुन लहसुन का का लाभ त्वचा पर पर भी हो सकता है दरअसल सेवन किया जाए तो समय से पहले चेहरे पड़ने वाली झुर्रियों से बचा जा सकता है लहसुन में कैफिक एसिड और एस एल एल सिस्टीन यौगिक होता है ये त्वचा को सूर्य की हानिकारक किरणों की वजह से होने वाली झुर्रियों से बचाने में मदद कर सकता है नंबर ट्वेंटी नाइन गर्भावस्था बढ़ता वजन या एक उम्र के बाद महिलाओं के शरीर पर स्ट्रेच मार्क होना सामान्य है आए दिन महिलाएं स्ट्रेच मार्क से निजात पाने के लिए कुछ न कुछ नुस्खे आजमाती रहती हैं। वैसे तो स्ट्रेच मार्क्स के निशान को पूरी तरह मिटाना मुश्किल है लेकिन इसे गार्लिक से कम किया जा सकता है और लास्ट है नंबर थर्टी लहसुन का उपयोग बालों के लिए भी लाभकारी हो सकता है दरअसल लहसुन का जेल और बीटा मेथासोन वैलेरेट का मिश्रण एलोपेसिया एरेटा यानी बाल झड़ने की बीमारी से बचाव कर सकता है अगर समस्या ज्यादा हो तो डॉक्टरी सलाह लेने में देर न करें। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा यदि आपको लगता है कि इससे आपकी जानकारी भी बड़ी होगी तो इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू